तृप्ति जी, आप यहाँ पे अभिषेक वगैरह करके निकल रही हैं, क्या उम्मीद है आपकी? लास्ट टाइम जब आप शनि शिंगणापुर गए थी तब तो आपको अहमदनगर में ही रोक दिया था, सुपा में ही रोक दिया था, तो इस बार क्या उम्मीद है, क्या आपको जाने मिलेगा? बिल्कुल जाने मिलेगा, क्योंकि ये संविधान ने दिया हुआ हमें हक है। और सीएम जी ने पिछली बार हमें डिटेन करने के बाद उन्होंने ट्वीट किया था कि हम महिलाओं के साथ हैं, तो इससे पहले सीएम जी हमारी जो है वो महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन, वो होम मिनिस्टर भी है तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन देके गर्भगृह में प्रवेश जो है महिलाओं को जो हक मिला है वो देने के लिए छोड़ना चाहिए। तो डिटेन तो नहीं होगा, नहीं तो ये संविधान का अपमान होगा। या कल जो आप देख रहे हैं कि कल 8 मार्च है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो इसका भी वो अपमान होगा। लेकिन एक सवाल, एडमिनिस्ट्रेशन जो है त्रिमिकेश्वर मंदिर का, उनका ये कहना है कि वैसे भी महाशिवरात्रि के दिन उनको बहुत परेशानियां होती है, बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसे दिन में आपने एजिटेशन रखा है, तो वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी और दिन आए तो बेहतर रहेगा। और दूसरी बात ये है कि हमने उनसे बात की थी जब लास्ट टाइम, तो बोल रहे हैं अगर कोर्ट बोलता है, अगर कोई और आके बोलता है, लॉ में चेंज होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर फिलहाल हम ट्रेडिशन फॉलो करेंगे। नहीं, उनका जो कहना है कि ये जो दर्शन है वो परंपरा है, तो ये परंपरा जो है, लेकिन गलत परंपराओं का हम विरोध कर रहे हैं। और ये महिलाओं के बारे में ही परंपरा क्यों? आज आपने देखा कि अभी हमने भगवान शिव का जो प्रतीक, हम जिसे पिंड बोलते हैं, उसको हमने अभिषेक किया, तो हर एक मंदिर में अगर हम हाथ लगा के स्पर्श करके महिलाएं वहाँ पर अभिषेक कर सकती है, दर्शन कर सकती है, तो भगवान के घर में भेदभाव करने वाले और हमें रोकने वाले ये लोग क्या है? और मंदिर प्रशासन से मेरी विनती है कि आप कोर्ट का क्यों वेट कर रहे हैं? अगर महिलाएं रास्ते पे उतरी है, पार्वती देवी की प्रतिनिधित्व कर रही महिलाएं, जब शिव का वर्णन किया जाता है, शिव पार्वती अर्धनारी नटेश्वर ऐसा वर्णन किया जाता है, तो पार्वती के जो प्रतिनिधित्व कर रही महिलाएं उनको आप क्यों रोक रहे हैं? भगवान का भी अपमान है और ये महिलाओं का भी अपमान है। कुछ लोगों का ये भी कहना है, क्योंकि अभी आपने कोर्ट का मामला उठाया, तो त्र्यंबकेश्वर में जो कमेटी है वो कोर्ट अपॉइंटेड है, और उन लोगों को सिर्फ इतना बोला गया है कि जो ट्रेडिशन है वो फॉलो करो, ऐसा उनका कहना है। और दूसरा उनका ये कहना है कि जब अलग अलग मैटर्स हैं वो कोर्ट में ऑलरेडी हैं, तो जब तक उनका निकाल आ जाता है तब तक वेट कर लेते हैं, जैसे शबरीमला सुप्रीम कोर्ट में हाजी अली है, तो आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, हम तो रास्ते पे उतरेंगे, क्योंकि हमारे जो हक की लड़ाई है, कोर्ट तो आप देख रहे हैं कि शबरीमला का होगा, शनि शिंगणापुर का जो हाई कोर्ट में जो चल रहा है वो 15 साल से चल रहा है। जब तक महिलाएं जागरूक नहीं होती, रास्ते पे नहीं उतरती, आंदोलन नहीं करती, न्यायालय और प्रशासन के ऊपर दबाव नहीं डालती, तब तक ये जल्द से जल्द निर्णय भी नहीं होगा, तो यहाँ पे भी प्रवेश मिलेगा और न्यायालय के ऊपर जो है वो हमारा प्रेशर भी आएगा इस आंदोलन के। आखिरी सवाल आपको ये पूछना चाहूंगी, आप सीएम से कई बार इस बारे में मिल चुकी हैं, तो क्या आप नहीं चाहेंगी कि सीएम कोई लॉ या कुछ लेके आए जिससे ये आसान हो, ताकि आपको हर अलग अलग मंदिर में ये ना करना? हम सीएम को हमने एक निवेदन भी दिया है कि महाराष्ट्र स्टेट में ऐसे सभी जाति के, जितने भी जाति धर्मों के जो मंदिर है वहां, जहां पे महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता है, वहां पे एक ऐसा कानून बनाया ये सरकार की तरफ से कि सभी महिलाओं को वहां पे जाना चाहिए और भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ये सीएम से भी निवेदन किया और हम पीएम नरेंद्र मोदी जी से भी मिलने वाले हैं।